प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर वार करने के लिए पिछले दिनों 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए थे, जिसके बाद काला धन रखने वालों के बीच हाहाकार मच गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारे देश ने समर्थन किया था। देश की आम जनता हो, बॉलीवुड हो या खेल से जुड़े लोग हो, सबने प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की सराहना की थी। अब इस कड़ी में नाम जुड़ा है विराट कोहली का। जी हाँ, बॉलीवुड के बाद अब खेल जगत भी नोटबंदी पर मोदी सरकार के समर्थन में उतर आया है। बुधवार को इंडियन क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज और टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने को बड़ा राजनीतिक कदम बताया। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन की जगह जगह सराहना की जा रही है। विराट कोहली ने नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस फैसले से बेहद प्रभावित है। उन्होंने मोदी सरकार के निर्णय को भारतीय राजनीति में एक बड़ा कदम बताया है। कोहली ने कहा, मेरी नज़र में ये भारतीय इतिहास का सबसे शानदार फैसला है। इस फैसले को मेरा सलाम, मैं इस फैसले से प्रभावित हूँ। ये वाकई अविश्वसनीय कदम है। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। अब जब सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को लेन देन के लिए अमान्य करार दिया है, तो कोहली ने कहा कि वो अब इन नोटों पर ऑटोग्राफ कर अपने फैंस को बांट सकते हैं। कोहली ने कहा, मैं राजकोट में अपने होटल बिल का भुगतान करने के लिए पुराने नोट ही ले गया। मैं भूल गया कि ये नोट अब इस्तेमाल में नहीं है। मैं इन पर साइन करके लोगों को दे सकता हूँ। ये नोट अब किसी काम के नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले बॉक्सर मैरीकॉम ने कहा था कि वो पीएम मोदी के इस फैसले के साथ हैं। मैरीकॉम ने कहा था कि इससे कुछ दिनों के लिए लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन कम पैसों में खर्च चलाने का अनुभव भी होगा।